हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे कट क्रीज आई मेकअप। उसके लिए शुरुआत करेंगे ट्रांजिशन शेड से। ट्रांजिशन शेड क्रीज लाइन के ऊपर अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद हम डार्क शेड यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने डार्क ब्राउन शेड अप्लाई किया है। डार्क ब्राउन शेड को बिल्कुल सही तरीके से आईलिड पे अप्लाई करके उसको अच्छे से ब्लेंड करना है। डार्क शेड की ब्लेंडिंग के बाद अब हम कट क्रीज की तरफ बढ़ते हैं। क्रीज काटने के लिए वाइट कलर के कंसीलर का हम यूज़ करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दूसरी वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए, देख के आइए। सेटिंग पाउडर से क्रीज को सेट करने के बाद हम उसी ब्लेंडिंग ब्रश से उसके साइड की लाइन को मिटा देंगे। यहाँ पर हमने उसी डार्क शेड से आउटर कॉर्नर को ब्लेंड किया है। आउटर कॉर्नर की ब्लेंडिंग के बाद हम एक शिमर लेंगे। यहाँ पर हमने स्काई ब्लू शिमर लिया है। आप अपने हिसाब से कोई सा भी शिमर यूज़ कर सकते हैं। हम फ्लैट ब्रश की हेल्प से शिमर को अच्छे से ब्लेंड करेंगे। आप चाहें तो फिंगर का यूज़ भी कर सकते हैं। स्काई ब्लू शिमर अप्लाई करने के बाद हमने यहाँ पे सिल्वर शिमर अप्लाई किया है। उसको भी हम फ्लैट ब्रश की हेल्प से सेट कर देंगे। ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से जितनी भी यहाँ तीन लाइनें आपको दिख रही हैं उसको ब्लेंड कर देंगे ताकि वो आपस में कनेक्टेड दिखें। अब हम एक सिल्वर शिमर लोअर लिड की इनर कॉर्नर पर अप्लाई करेंगे। उसके बाद स्काई ब्लू शिमर अप्लाई करेंगे। जैसा कि आपने ऊपर लगा देखा है बिल्कुल वैसा ही हम नीचे भी करेंगे। शिमर ब्लेंड करते हुए अब हम इसके आउटर कॉर्नर की तरफ बढ़ेंगे। डार्क ब्राउन शेड ले करके आउटर कॉर्नर को अच्छे से ब्लेंड करेंगे। यहाँ पर हमने ब्रॉ बोन पे हाइलाइटर का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने एक विंग आईलाइनर लगाया है। हमने यहाँ पे सिंपल विंग आईलाइनर लगाया है। आप चाहें तो बोल्ड विंग आईलाइनर भी लगा सकते हैं, डबल विंग आईलाइनर भी लगा सकते हैं। अपने हिसाब से आप कोई सा भी काजल और लाइनर यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहा आई मेकअप का फाइनल लुक, ब्यूटीफुल स्पार्कली। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।